अस्सलाम वालेकुम एवरीबॉडी, सो वी आर हियर एट चीजियस, ठीक है। सो अब अजान हो रही है, आपको बाकी बातें बात करते हैं, सो स्टे ट्यून। और ये अब हम जा रहे हैं चीजियस एंट्री हो रहा है, वो बैठे हैं वहाँ बैठे हैं। मैंने कहा तुम लोगों ने बताया क्यों नहीं, ये लोग यहाँ बैठे हैं। अच्छा आज इसके एक की रिंग रह गई है, नजर लगा दी ना तुम बगल लग गई है भाई नजर बड़ी तुम कोई हो। सो गाइस हियर वी आर इन चीजेस, और हमारी हालत देखो तो आपको लग गया होगा कि हालत बहुत टाइट हुई है क्योंकि गर्मी इतनी ज़्यादा और गर्मी वाकई बहुत ज़्यादा है आज। हाँ और मेरा तो बहुत अच्छा हुआ है क्योंकि मेरा भी अच्छा हुआ क्योंकि मेरा ऊपर था और वो तो मेरा अच्छा ही होना था। और उसके बाद हाँ तुम्हारा कैसा हुआ, आंखें ही दिखाओ आंखें, मेरा नाम बनाओ ये पढ़ो, तुम्हारा कैसा हुआ। ये चीज़ें स्प्रेडिंग चीज़ें से हम बात करें, दिखाओ शव योर नेल्स, शव योर नेल्स, वेयर योर रिंग। गाइस सो लेट मी इंट्रोड्यूस यू आवर चीजियस का ये छोटा सा ये जो इन्होंने बनाया सीन सेटअप जो है सेटअप इंट्रोड्यूस करवाती हूँ। ये है चीजियस का सीन, ठीक है, इट्स क्वाइट गुड, ठीक है। लोगों पे कैमरा एक पब्लिक है भाई, ठीक है, बस यही सीन है और बाकी मैं बाहर जाके बताऊँगी। पास्ता देख लो मेन्यू में क्या है, मेन्यू भी दिखाना चाहिए। डील्स हैं कुछ, उसके अलावा बताओ क्या है। कॉफ़ी के सवाल ने बारबेक्यू विंग्स ख़त्म कर दिया है जो बहुत बुरी बात है क्योंकि मुझे पसंद थे बेहद, आई थिंक बेहद। बाकी इनका जो है वो मेन्यू कुछ इस तरह का है, लेट मी शो यू। पर ये अब हम हाथ धोएंगे फिर कुछ अच्छे से ऑर्डर करेंगे फिर खाएंगे। और कल हमारा है फिजियोलॉजी का लूप फाइनल, लूप फाइनल ऊपर पढ़ के ना हर चीज पता नहीं क्या सम बर्गर पीपल्स हियर। चलो ये बंद कर दो, अच्छा ये पकड़ो मुझे भी तो धोने हैं। ओह माय गॉड, ऑर्डर तो नहीं आया, भूख ज़्यादा लगी हुई है तो प्लेटें ऑर्डर लग रही हैं लेकिन अभी ऑर्डर नहीं आया हुआ, ठीक है। शी सो जी जी आप क्या फरमाती, बंद करो वीडियो, इरफाना फरमाओ क्या कह रही थी तुम, आप बताओ क्या कह रही थी तुम। इसलिए व्लॉग का टाइटल चेंज करने लव ट्रायंगल उसका टाइटल। अच्छा और उस लव ट्रायंगल में कौन कौन है, मैं और मैं। ट्रायंगल ऐसा तो नहीं बनता, इसे ज़रा ट्रायंगल का मतलब समझाओ। तीन लोग हैं है ना, तीन लोग हैं सोच लो, तुम और मैं। अच्छा भाई अभी हम लोग अभी तक हम लोग ऑर्डर का इंतज़ार कर रहे हैं, अभी वो ऑर्डर के नाम पे प्लेटें दे गए हैं। और कल है हमारा फिजियोलॉजी का लैब फाइनल जो होगा मेडिकल कॉलेज में, और उसके बाद इसको इग्नोर करो ये पागल है। अच्छा उसके बाद यो मम्मा, अच्छा मैंने सोचा घर में तो मैं कोई काम करती नहीं हूँ, मैं यहाँ पे थोड़ा सा कोई काम कर लूँ। चलो सामने मैडम घर में तो कोई काम करती नहीं है, ये मैं रखूंगी, मैं और मैं जिनके सामने रख दो। खाना आपकी कैसी फीलिंग्स है, मतलब यूनिवर्सिटी में सिर्फ चार दिन बाकी है। मैं मेरी बात सुनो, मैं कुछ भी नहीं बताती, मैं सिर्फ ये बताती हूँ कि काश तुम लोग की जगह मैं होती। हाँ मतलब तुम्हें वो कोई सैड वाली फीलिंग्स नहीं आ रही, मतलब तुम लोग की जगह मैं होती ना मैं चाह रही होती। देखो तुम लोग कब दुख हो रहे लेकिन मैं कहती हूँ कि काश इसी तरीके से जल्दी जल्दी ख़त्म हो जाए। क्यों
अभी तो आपकी डिग्री स्टार्ट है, आपको तो एंजॉय करना चाहिए यार। एंजॉय का बंदा वहाँ कहता है जहाँ कोई क्लास एंजॉय करवाने वाली हो, हमारी क्लास तो है ही इतनी कोई है। कैसी जा रही है आपकी इंजीनियरिंग? इंजीनियरिंग बड़ी कोई। अभी हम एक गेम करने वाले हैं। मैं तुम लोग को बोला था वो गेम करो पागलो, आंखें बंद कर। What is this behavior, Pooja? जबरदस्त एंट्री। इस बार बहुत टाइम के बाद हमारे पास एक ऑर्डर अभी तक आया है, ठीक है, और वो ये है जिसको देख के बहुत 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 मज़ा आ रहा है, लेकिन अब इसको हम खाएंगे, ठीक है। पता नहीं यार कहते आज सामने कह रही कि मैं सर्व करूँगी सबको। हाँ तो लोग देख के मम्मा कहेंगी सामने घर में तो तुमने कभी कोई जहमत नहीं की प्लेट इधर से उधर रखने की, तो बच्चे ये कहाँ से चांद निकल आया? तो मैं कहूँगी मम्मा मैं नहीं चांद, सूरज ही निकला यार। जब चांद हो तो फिर निकलने की जरूरत कहाँ पड़ेगी। बस बात यार देखो आहिस्ता आहिस्ता इंसान कुछ करने लगे तो सीख जाता है। देखो अरे बेटे मम्मा ना और देखते कहते हैं इधर ले आओ। देखो सीख रही हूँ ना यार, देखो इतना फॉर ग्रांटेड नहीं लिया करो। मम्मी भाई कुछ कुछ बार वो लोग भी बहुत कुछ कर देते हैं जिनसे आप कुछ उम्मीद ना हो, ठीक है, समझ गए। तो मुझे पता था हवा खाती हूँ लेकिन आज थोड़ा पिज्जा खा लो। असल में ये हमारा जो बेटा है ना ये हवा खाता है। अच्छा बेटा ये दुश्मनी कर रही हो तुम? मैं सारे दुश्मनी करती हूँ। स्पीकर ऑफ कर ले। यार देखो यार मेरी बात सुनो, किसी चीज़ बंदा नहीं यूज़। ओह या आवर सेकंड ऑर्डर इज़ हियर ठीक है। अब सेकंड वन आई थिंक दिस इज़ के साथ आई एम मोर सूटेबल एक्सेप्ट दिस वंस। और ये गया मेरा पिज़्ज़ा, बाकी सबको मैंने थोड़ा थोड़ा दिया जानबूझ कर, ठीक है। वैसे इसके पीछे कोई थ्योरी नहीं थी लेकिन फिर भी ऐसा हो गया, तो बच्चों से तो गलतियाँ होती रहती हैं ना। अच्छा इसको मैं खोल के यार यार देखो बाद में इनकी साइकिल चेक करो करो कुछ और नाम। हाँ छोटे बच्चे तो इसको तो देखे, इसकी हालत देखो और इसके खाने का अंदाज देखो। क्या कह रही हो मेरा मिस देखो, एक्चुअली हाँ डिप्रेशन में है, कुछ कह नहीं सकते पर खा सारा कुछ। ये देख रही होती हूँ कि जब किसी की प्लेट फिनिश होने वाली होती है ना तो ये फौरन से अस्तगफिरुल्लाह तुम ऐसे ही सर डिप्रेशन में कुछ बोल नहीं सकते पर खा सारा कुछ सकते हैं। इसका अभी तक मैच कंटिन्यू है, उसके बाद बाकी सीनियर यहाँ पे विंग्स की जो है वो वहाँ बैठ जा रही है। ये हमारी जो रजिया है ये भी कुछ खा रही है। उसको कितने नाम दे रहे दोनों? रजिया घुंडो में फंस गई। बाकी सीन ये है कि अब मैं भी खाने लगी, सो स्टे ट्यून्ड गाइस वी आर ब्राइट ट्रैक। तो खोलो। अब ये है सिंगर, इट इज सो प्रीटी, इट इज सो प्रीटी पीवी। पहले से ये तुम अपना फोर्क उठाओ ना जो तुमने नीचे गिराया। Do you guys see my mess? Actually, मैंने सुबह नाश्ते में भंग पी थी तो इस वजह से मेरा दिमाग जगह पे नहीं। उठा लो ना, ऐसे ऐसे हो गया तो मैंने कहा पिया ही की परवाह। गाइस मैं कितने तरीके से खाती हूँ, मैंने क्या किया? चीज़ें वाले बैन लगा देंगे ये वाली लड़की, चीज़ें वाले कहेंगे ये वाली लड़की ना आए। हमें उठाओ, पहले तो
बाकी सब गेट दिखाई देगी इस तक यार। खाना खाने के बाद ये खाना बच चुका है। फातिमा ने पिज्जा खाना है, एक और ऑर्डर करें हैं। ये सारे सामने खाए और मुझे कुछ दिए ही नहीं, और हम लोगों से इरफान हम चाहिए कुछ नहीं यार। ये गुल मासूम तो बहुत बड़ा ग्रुप है, इन्होंने खा के हट गया यार, रख दिया। और अब ये हम लोग का रिफिल होने के लिए चौथी बार जा रहा है। ओके गाइस, सो खाना हमने पैक करवा लिया। ओके गाइस, सो यार वी आर अबाउट टू लीव फ्रॉम चीज़ियस। आगे का प्लान आई थिंक ये है कि हम लोग आई गेस जा रहे हैं एयरगेट की तरफ, ठीक है। और यहाँ पे हमारी रजिया बानो बैठी है, ठीक है। और उसके बाद जो है बाकी ओके, शी इज आवर इमरान और जुआ। यहाँ पे कोई लड़की है, इसका मुँह ला गया। अब हमारा एक ये सीन था कि लेट मी टेक माय फोन। अच्छा, इसके ऊपर भी कर जा रहे हैं ऊपर विजिट करने। हाँ, हम लोग जा रहे हैं ऊपर इसको विजिट कराने, क्योंकि वैसे ही मंडली बहुत उन्होंने कहा कि आप लोग व्लॉगिंग करते हैं तो हम लोग आप लोगों को उसका विजिट करवा। ऐसा कोई सीन नहीं, अच्छा ये खुश फैमिली है इसकी। ओके, सो वी आर अबाउट टू लीव। वी आर ओके गाइस, सो या वी आर गोइंग ऑन द अपस्टेयर्स, जहाँ पे माय एक्सपीरियंस वाज सो अच्छा था, अमेजिंग। माय एक्सपीरियंस वाज अमेजिंग बिकॉज देयर स्टाफ इज सो नाइस टू अस। और ओके, एंड वी आर गोइंग टू द अच्छा, मौसम बहुत गर्म है यार, ये इसका मुझे समझ नहीं आता ये तस्वीरों वाला क्या चक्कर है। हाँ बना रही हूँ, बस बना लिए। चलो चलो उठो उठो। अच्छा बाहर का ये सीन है, सामने पिक्चर बनाओ। ओ मून इज लुकिंग द बिगेस्ट थिंग। बना लिया, ये देखो ये देखो, ये गई हमारी पिक्चर। सो हियर गाइस, वी हैव डन आवर फोटो शूट देयर, और अभी हम लोग जाएंगे फैमिली हॉल। अब स्टेयर्स जा रहे हैं हम लोग, अब मुझे नहीं आई मीन मैम है। चलो नहीं, ये देखो ये देखो, या ये लड़की मेरे साथ। अब हम लोग जा रहे हैं अपस्टेयर्स। आज हो ना कहाँ हो, अब हम लोग अपस्टेयर्स आए। ओह वाओ, यहाँ का सीन कुछ इस तरह का है। कराची कराची की फीलिंग आ रही है, कराची कराची वाली फीलिंग आ रही है। एक कराची वाली है इनका। यार इसके क्या मसले है, तस्वीर बना दो। हाँ बोले आप। कुछ नहीं, मैं थक गया हूँ। हाय, आए आपकी पिक्चर बनाते हैं। सॉरी, मैं व्लॉग बनाई थी लेकिन मुझे पता नहीं लगा सामने का फिर बिल्कुल सारा कुछ दे दिया। और अभी हम लोग जाएंगे शॉपिंग करने। शॉपिंग किसकी करनी है, भाई की शादी की शॉपिंग करनी है। कुछ चीज़ें तो हम लोगों ने ड्रेसेस वगैरह फाइनल कर लिए, लेकिन कुछ चीज़ें जो रहती हैं वो अभी हम लोग देखेंगे। उसके बाद फिर सामने बार बार मैं व्लॉग में आ जाती हूँ, अभी आपको मैं वेदर दिखाती हूँ। अमेज ओ सन, इस लड़की की स्ट्रीक्स पूरी नहीं हो रही अभी तक। सिर्फ लाइब्रेरी की स्ट्रीक भेज दिया कैसा? कैसा रहा? बहुत अच्छा लगा मुझे, बहुत सारा खाया लेकिन मैंने कुछ नहीं खाया। आप पेपर अच्छे करोगे ना, आउटिंग का तुम लोगों को था के नहीं लेके अच्छे करोगे इंशाल्लाह। मैंने सामने से पूछा कि कोई एक ऐसा जोक सुना दो जिस पे हंसी आई। कहती है जिंदगी एक मजाक है, पता नहीं क्या कह रही है। हाँ। मैंने कहा तो इस पे हंसा जाए करिए। हाँ दिल में ऊपर वाला फैमिली हॉल है, मैं पहले वाले दिन क्या बताना हूँ। इरफान लड़ते हुए ओके क्यों क्यों खामोश हो गया। अच्छा मैं वो यार कैमरा
ओवर एक्साइटेड हो गई थी। कैमरे की बैक साइड भी तो अपनी लाइफ चल रही होती है ना, तो हाँ उसके बाद फिर इसको आंखें दिखाई गई। सो गाइस इधर इतना ज़्यादा टाइम वेस्ट करने के बाद अब हम लोग जा रहे हैं, लेकिन हमारा टाइम वेस्ट नहीं हुआ, हमने बहुत ज़्यादा इन्जॉय किया, मुझे तो बहुत ज़्यादा मज़ा आया। लाइक जितनी मेरी बैटरी लो जितनी ही थोड़ा लाइक चिल आउट हो गया, तो ये मैं व्लॉग बना रही हूँ। अच्छा ना ये लड़कियाँ तो आ जाओ, अभी हम लोग जा रहे हैं उधर से, वो भी पकड़ना है, खाना भी पकड़ना है सामने। ये फातिमा नूरीन झुंझुआ पहले से वेट कर रही हैं।